दो दिवसीय सेब किसान सम्मेलन आज संपन्न हुआ। सेब के समृद्ध यह शहर 15 और 16 जुलाई को दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसका नारा है सेब किसानों को बचाए, सेब की अर्थव्यवस्था को बचाए। सम्मेलन में देश के विभिन्न सेब उत्पादक राज्यों से बागवान भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के सहयोग से किया। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सैकड़ों प्रतिनिधि भाग लेते हैं और सभी जम्मू कश्मीर के किसान भी सम्मेलन में भाग लेते हैं। उर्वरकों, सेब की पेटियों और अन्य समृद्ध सामग्रियों की बढ़ी हुई कीमतें सेब की खेती करने वालों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। आयोजक ने कहा, सेब उत्पादकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी उन्हें अपनी उपज बेहद सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है, जिसका सीधा असर सेब की खेती से जुड़े लगभग 8 लाख परिवारों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक अपने सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और उनके निवारण के तरीके खोजने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले, वरिष्ठ सीपीआई नेता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, राकेश सिन्हा, पूर्व विधायक हिमाचल प्रदेश विजू कृष्णन, सचिव AIKS और पी कृष्ण प्रसाद। लेकिन जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है उसको माफ़ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहां तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने, जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वादा किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल हैं। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। और हमारी मांग है कि ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में तजवीज़ की गई है, सिफारिश की गई है, 1.5 गुना जो लागत आती है एक किसान को अपनी पैदावार पर, वो मुआवजा मिलना चाहिए हमारे सेब को।